की कहानी है। बहू ससुराल में तो शरीर की पीड़ा भूलनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जल्दी जल्दी हाथ चला रानू बहू, आज बुआ सास मासी सास का परिवार आ रहा है। बहुत दिनों बाद मिलने आ रहे, कब आता ही कौन है। सरला जी रानू की सच, अच्छा मम्मी और परसों कौन आया था। रानू टोकते बोली, अरे वो तो सासी सास का परिवार आया था, और उससे पहले कौन आया था। वो तो मासी सास का परिवार आया था, और रोज जो आती है वो कौन। अरे वो तो मेरी पड़ोसी सहेलियां जो हर साल पूछने आ जाती है। तुझे तो मतलब नहीं है, अपनी सास के साथ बैठे थोड़ा बतिया भी ले, मगर तू तो मुझसे बातें नहीं करती। मेहमानों से क्या बात करेगी, इतना घमंड अच्छा नहीं। बहू सल छोड़, तू क्या जाने बात करना क्या होता है। जल्दी जल्दी हाथ चला, दरवाजे की घंटी बजी है, लगता है वो लोग आ गए। सरला जी अपनी बहू रानी की बकर कोई बातें सुने, अपनी बात गोकर बाहर मेहमानों का स्वागत करने चली गई घमंडी। यहाँ आपके मेहमानों की मेहमान नवाजी से फुसूत मिले, तब तो किसी के साथ बैठू और बातें करूँ। उसका जिम्मा तो आपने ले रखा है। कोई भी सहन सहा मेहमान आया गया हो, कब आप बैठने देते हैं। कभी बहु ये ला, कभी बहु वो ला, हर समय तो मेहमान नवाजी करवाती है आप। और उसके बाद भी शिकायत से कि मेहमानों से बातें करती नहीं आती। घमंडी है मम्मी जी को ज्यादा देख। रानू ने सोची, गहरी सांस भरी और काम में लग गई। बुआ सास मासी सास का परिवार, जिसमें फूफा जी, उनके दो जवान बेटे मौसा जी और उनके दो बेटियां, एक बेटा और बहू, सब लोग बैठक में बैठ गए। रानू को भी अच्छा लगता, सारी काम कितना भी हो मगर सबके साथ मिलकर उसे बहुत खुशी होती। रानू की मासूम सी मुस्कुराहट देख सभी आने जाने वाले लोग खुश होकर आते। हंसते मुस्कुराते रानू सबका दिल से स्वागत करती। उस बाकी मन करता वो भी सबके साथ बैठे बतियाए, मगर सरला जी उसे वापस रसोई में भेज देती। आज भी यही हुआ, जब रानू सबको साए समोसे पकड़ाते हाल साल पूछते, जैसी बैठने लगी तो सरला जी तुरंत बोल पड़ी, अरे जीजी अभी बहुत कैंप फैला है, इसे जाने दो। जा रानू जाकर अपना काम कर, अब मेहमान आते तो मेहमान ही बनकर आते, भला किसी को होश कहाँ की। रानू बेसारी अकेले रसोई में लगी है, कोई उसके साथ हाथ बटा दे, ना तो कोई हाथ बटाते और ना ही रानू किसी से कह सकती। मगर 15 दिन से कभी कोई किसी न किसी मेहमान के आने से रानू की थकान जवाब देने लगी। उसने फटाफट खाना बनाया और अपने कमरे में थोड़ा सुस्ताने चली गई। लेटते उसे नींद आ गई, जाने कितना वक्त हुआ। सरला जी की कॉकरस आवाज कानों में पड़ी, ला ये भी क्या बात हुई, ना किसी के साथ बैठना ना किसी से दो बातें करना, जाने कौन सा घमंड है जो मेहमानों के होते। यहाँ कमरे में आराम फरमाया जा रहा है। रानू को पैर और बदन में तेज दर्द की वजह से बुखार सटाया था। रानू बस सरला जी को देख रही थी, किसी तरह बसी खुशी हिम्मत से बोली, मम्मी मैंने खाना बना दिया, प्लीज आप परोस कर खिला दीजिएगा, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। सरला जी ने रानू का माथा छुआ तो उसका बदन तप रहा था। दवाई क्यों नहीं ली, जब मेहमान होते तो ऐसे में थकान बुखार सब भूल जाते, कहते चली गई। रानू बिना घुस गई, सोचते आंखें बंद की और दूसरी तरफ करवट ले ली। अब जिसे जो करना है कहते रहो, जो करना है करते रहो। अब रानू अब जानो मुझसे नहीं उठा जा रहा। सातनु रानी का पति आया तो देखा, उसने तुरंत रानी को उठा दवा दी और बोला, रानू तू फ्रिक ना कर, मैं सब संभालूंगा, तुम आराम करो।
साधनु जैसे किशन में जाने लगा सला जी टोकी। अरे तो कहाँ सला, रसोई में रानू कहाँ गई, बस इसकी यही नोटकी देख, इसलिए मैं इसे घमंडी कहती। क्या हुआ, थोड़ा सा बुखारी तो है बस, अब ससुराल में तो शरीर की पीड़ा भूलनी पड़ती है। ओ माँ बस भी करो ना, अब इतने दिन से रानो मुस्कुराते हुए सबकी मेहमान नवाजी में लगी थी, तब आपको वो घमंडी नहीं दिखी, और आज जब उसको थकान की वजह से बुखार आ गया तो वो आपको घमंडी लग रही। एक तो वो अकेले सब करने वाली, उसने खाना वगैरह सब बना दिया है तो ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देते, सब लोग खुद ही सर्व कर लेंगे, हेल्प एंड योर सर्विस, इतनी मदद तो कर सकते ना हम। और ये लो सलाद भी कट गया और रायता भी बन गया, चलो आप बैठो जाकर सबके पास में खाना सभी बड़े बर्तनों में परोस कर टेबल पर सजा देता हूँ। सातनू सलाद काटते और रायता बनाते, बोला सरला जी सातनों की बात सुन, जेब गई जैसे सातनों की बात से सहमत हो सुबह साफ चली गई। बाद में सातनों टेबल पर खाना लगाया तो सरला जी बोली, सलिए आइए सभी लोग अपने आप से सभी के लिए भोजन परोसे। अरे वाह भाभी, ये तरीका तो बहुत बढ़िया कर दिया तुमने, हेल्प एंड योर सर्विस, भाई कुछ भी कहो तुम्हारी बहू की मेहमान नवाजी बहुत सलीकेदार। कहते बुआ सा सरलाजी से रानू की तारीफ करते, बोली तो सरलाजी को अपार गर्व की अनुभूति हुई, सातुनों से मुस्कुराती बोली, बहू का भूखा उतर गया हो तो जा बहू को बुला ला, आज मेहमान नवाजे की जरूरत नहीं, बस सबके साथ बैठना है, कहो उसके लिए भोजन परोसा दिया। रानू का बुखार दवा से कुछ पल के लिए ठीक हुआ तो रानू सभी मेहमानों के पास आकर बैठी तो सरला जी ने रानू को उसके लिए परोसे भोजन की थाली मुस्कुराते उसे आगे कर दी। दोस्तों अक्सर देखा जाता है बहुएं मेहमान आने पर रसोई गर्मी होती है, पर उनका भी मन करता है कि वो भी मेहमानों के साथ हंसे बोल बतियाए, मगर काम के चलते वो यदि बैठ ना पाई यहाँ की किसी से थोड़ी देर बतिया ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करने से जी सुरा रही है या कामों से समय ना मिल पाने के कारण घमंड दिखा रही है। अगर उन्हें भी थोड़ा सा समझा जाए कि वो भी मेहमानों के साथ दो घड़ी बतिया ले तो मेहमान नवाजी और अच्छी हो सकती है, फिर कोई ऐसा मेहमान भी अपने मेहमान जैसा ही लगे, फिर आप भी उनको घमंडी समझने की बजाय गर्व से साथी सोड़ी करते नजर आओगे।